हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। 99% लोग ये नहीं जानते कि बादाम को किन लोगों को भिगोकर खाने चाहिए और किन लोगों को नहीं। आइए जानते हैं इसके बारे में। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ बादाम के कुछ महत्वपूर्ण फायदे। आज मैं आपको बताऊंगी कि किन लोगों को बादाम भिगोकर खाना चाहिए और किन लोगों को नहीं। लगभग 99% लोगों को ये नहीं पता कि बादाम किस प्रकार खाने चाहिए और बादाम खाने से उन्हें क्या क्या लाभ मिलते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने बहुत से लोगों को बादाम भिगोकर खाते हुए देखा है या फिर सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि किन लोगों को बादाम भिगोकर खाने चाहिए और किन लोगों को नहीं? तो चलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इसकी सारी जानकारियाँ देती हूँ। दोस्तों, बादाम अपने असीम स्वास्थ्य लाभ गुणों के लिए जाना जाता है और सबसे ज्यादा ये आपके याददाश्त को तेज करने के लिए जाना जाता है। बादाम आवश्यक विटामिन और मिनरल्स जैसे कि विटामिन ई, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर है, इसीलिए हमें बचपन से ही बादाम खाने को कहा जाता है। दोस्तों, अक्सर आपने बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना होगा कि बादाम भिगोकर खाने चाहिए, तो आइए जानते हैं कि वो ऐसा क्यों कहते हैं। दोस्तों, बादाम की तासीर गर्म होती है और इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स जैसे बहुत सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इन सभी पौष्टिक तत्वों को अवशोषित करने के लिए बादाम को खाने से पहले रात भर पानी में भिगोना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि बादाम के भूरे रंग के छिलके में टर्निन होता है जो पोषक तत्वों के अवशोषण को रोकता है, और एक रात में बादाम को पानी में भिगोने से छिलका आसानी से उतर जाता है और नट्स को पोषक तत्वों को रिहा करने की अनुमति दे देता है। भीगा हुआ बादाम पाचन तंत्र के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। इसमें लाइपेज नामक का एक एंजाइम होता है जो पाचन के लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा इसके बहुत से फायदे हैं। वजन घटाने के लिए भी ये बहुत ही मददगार होता है। दोस्तों, बादाम वजन घटाने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है जो आपकी भूख को रोकता है। भीगा हुआ बादाम एंटीऑक्सीडेंट का बहुत ही अच्छा स्रोत है। ये मुक्त कणों के नुकसान से बचाता है और साथ ही उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोकता है। भीगे बादाम में विटामिन B17 और फॉलिक एसिड कैंसर से लड़ने और जन्म दोष को दूर करने में मददगार होता है। दिल को स्वस्थ रखने के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार बादाम एक बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट एजिंग प्रॉपर्टीज है। LDL कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीकरण को रोकने में मदद करता है। बादाम के ये कण दिल को स्वस्थ रखने और पूरे हृदय प्रणाली को नुकसान और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने के लिए मदद करता है। अगर आप दिल की बीमारी के किसी भी रोग से पीड़ित हैं, तो स्वस्थ रहने के लिए अपने आहार में भीगे बादाम को शामिल कर ले। अपने आहार में बादाम को शामिल करने से आपको किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा। हाई ब्लड प्रेशर को बहुत ही इजीली करता है कंट्रोल। बादाम ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। जनरल फ्री रेडिकल रिसर्च में पता चला है कि बादाम का सेवन करने से ब्लड में अल्फा टोकोफेरोल की मात्रा बढ़ जाती है, जो किसी की भी रक्तचाप को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। अध्ययन से ये भी पता चला है कि नियमित रूप से बादाम खाने से एक व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नीचे लाया जा सकता है। इसलिए अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो आपको नियमित रूप से बादाम खाना चाहिए। गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए भी बहुत ही मददगार होता है। भीगे हुए बादाम में फॉलिक एसिड बहुत ही ज्यादा होता है। ये पोषक तत्व गर्भ के शिशु के मस्तिष्क और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के विकास के लिए बहुत ही मददगार साबित होता है। इसके अलावा जब बादाम को भिगोया जाता है तो उसे खाना और भी आसान हो जाता है। गर्भवती महिलाओं की कमजोर पाचन क्रिया के लिए ये खाना बहुत ही अच्छा होता है। पाचन क्रिया बनाए बेहतर। भीगे हुए बादाम पाचन क्रिया को बहुत ही मजबूत बना देते हैं और स्वस्थ बनाए रखने में भी मदद करते हैं। जनरल और फूड साइंस में प्रकाशित एक अध्ययन में ये पाया गया कि भीगे कच्चे बादाम खाने से पेट जल्दी साफ होता है और प्रोटीन पचाना आसान हो जाता है। बादाम का छिलका निकल जाने से उसके छिलके में मौजूद एंजाइम अलग हो जाते हैं, इस वजह से
फैट तोड़ने में मदद मिलती है। बैड कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। उच्च कोलेस्ट्रॉल की समस्या हमारे देश में सबसे ज्यादा और बहुत ही आम हो गई है। उच्च कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग और दिल की धमनियों में रुकावट समेत कई रोगों का एक बहुत बड़ा कारण भी है। इसमें बादाम आपकी बहुत ही बड़ी मदद कर सकता है। दरअसल बादाम आपके कोलेस्ट्रॉल को नियमित करता है और धमनियों की सफाई करके आपको विभिन्न प्रकार के हृदय रोगों से भी बचाता है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि किन लोगों को बादाम का सेवन नहीं करना चाहिए और बादाम खाने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो बादाम खाने से कोई नुकसान नहीं है, परंतु अगर अधिक मात्रा में खाई जाए तो अवश्य ही इनके सेवन से बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है। बादाम के अत्यधिक सेवन से कब्ज और पेट की सूजन हो सकती है, क्योंकि इनमें उच्च मात्रा में फाइबर मौजूद होता है। दोस्तों, यदि आप एक मैंगनीज युक्त डाइट पे हैं और आप बादाम खाते हैं तो ये आपके दवाओं से हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसका कारण ये है कि बादाम भी मैंगनीज से युक्त है और शरीर में मैंगनीज की उच्च राशि रेचक औषधियों, एंटीबायोटिक दवाओं और कुछ रक्तचाप की दवाओं के साथ हस्तक्षेप कर सकता है। आपको अपने दैनिक आहार में केवल मैग्नीज की 1.3 से लेकर 2.3 मिलीग्राम की जरूरत है। दोस्तों, हमें विटामिन ई के 15 mg की हर दिन जरूरी पड़ती है। बादाम की बड़ी मात्रा में खपत से हम इस मात्रा को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अतिरिक्त विटामिन ए की दुष्प्रभाव से दस्त, पेट में फूलना, दृष्टि का साफ ना होना, सर में दर्द, चक्कर आना और सुस्ती ये कारण है। एक औस बादाम में 14 ग्राम फैट और 163 कैलोरीज होती है। यदि आप अधिक मात्रा में बादाम का सेवन कर रहे हैं और इस कैलोरी को पर्याप्त मात्रा में नहीं जला रहे हैं तो आपके शरीर में फैट निश्चित रूप से जमा हो जाएगा और वजन बढ़ता चला जाएगा। कड़वे बादाम में हाइड्रोसाइडिक एसिड होता है जो तंत्रिका तंत्र को मंदा कर सकता है, सांस लेने में समस्या उत्पन्न कर सकता है जो घातक भी हो सकता है। अधिक मात्रा में बादाम खाने से आपको एलर्जी भी हो सकती है। ये एक बहुत ही दुर्लभ दुष्प्रभाव है, लेकिन कुछ लोगों ने बादाम से एलर्जी के लक्षण भी दिखाए हैं। इसके लक्षण होंगे चटके, श्वास में कठिनाई आदि। इन सब के अलावा हम आपको एक खास बात बता देना चाहेंगे कि जिन लोगों को पित्ताशय एवं गुर्दे से संबंधित कोई भी विकार हो, कोई भी समस्या हो, उन्हें बादाम का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में बादाम का सेवन करना उनकी समस्या को और भी बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि 99% लोग को नहीं पता है कि किन लोगों को बादाम भिगोकर खाने चाहिए और किन लोगों को नहीं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारे सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।